Hey everyone, welcome back to the channel guys, you're watching Born Creator. This is also Dost Vivek Suri. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है that is about the Harley Street 750 and this is for sale. So पहले आप एक close-up shot देख लीजिए and then फिर एक बारी जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ. जो बंदा सेल कर रहा है उसका नंबर और एड्रेस जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो अपने आगे तक देखनी है. सो गाइस, वॉक अराउंड आपने देख लिया. अब जैसे मैं बाइक की यहाँ पे क्लैरिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बाइक पूरी की पूरी साफ है एंड कहीं पे भी मेरे को एज सच कोई डेंट नहीं दिखा, कोई कुछ एरिया नहीं दिखा. इवन आप पीछे की जगह देखेंगे, आप सीट देखेंगे, आप टैंक तक देखेंगे, टैंक आपको बस एक थोड़ी सी रबिंग मार रहा है क्योंकि यहाँ पे सड़क पे खड़ी रहती है. जैसे आप देखेंगे बिल्कुल मेन रोड है तो सड़क पे खड़ी हुई है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट है इसके ऊपर. तो एक बारी रबिंग हो जाएगी तो पूरी जो शाइन है इसकी प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी. आपको इसके अंदर लेग गार्ड वगैरह मिल रहा है, नंबर बहुत ही ज़्यादा फैंसी है एंड जो मुझे पूरी बाइक के अंदर थोड़ा सा एरिया दिखा जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है दैट इज़ दिस एरिया जो कि हल्का सा चिप ऑफ है. बाकी कुछ भी कहीं पे मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा. आप इवन राइट वाला साइड देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, पूरी बाइक बिल्कुल क्लीन है. साइलेंसर देखेंगे तो साइलेंसर के ऊपर थोड़ा सा काम मांगता है बाइक का, जो कि खड़े खड़े जैसे मैंने बोला यूजुअली पेंट खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर धूप में खड़ी रहती है सारे टाइम बाइक, तो पेंट खराब होने के चांसेस हो जाते हैं. सो इसको आपको एक बार दोबारा पेंट कराना पड़ेगा. बाकी स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है. टायर्स आप देख सकते हैं, टायर्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा है. अभी ऑलमोस्ट 60-70% से ज़्यादा की इसके अंदर लाइफ आपको मिल रही है. इवन फ्रंट का टायर भी आप देखेंगे तो फ्रंट के टायर में भी आपको 60-70% लाइफ मिल रही है. सो बाइक काफ़ी क्लीन है. अब इसके जानते हैं कि मॉडल क्या है और पैसे क्या मांग रहे हैं. सो गाइस, हमारे साथ यहाँ पे ओनर है जिनका काम है यहाँ पे सेल परचेज का, और अगर आप कोई भी बाइक के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. सो भाई, सबसे पहली चीज़ कौन सा मॉडल है, कौन से कितने ओनर्स हैं, कितने किलोमीटर चली है और क्या पैसे मांग रहे हैं. इट्स 2015 मॉडल है ये. ओके, सेकंड ओनर है एंड सिर्फ 16,000 किलोमीटर चली हुई है. ओके, एंड हमारी आस्किंग है 3 लाख रुपीस. ओके, ऑन टेबल जो भी होगा आपका नेगोशिएबल है, वो तो थोड़ा सा तो नेगोशिएबल रहते रहता है. सो गाइस, 2015 सिर्फ और सिर्फ 16,000 किलोमीटर चली हुई सेकेंड ओनर बाइक है. सेकेंड ओनर बाइक के हिसाब से यार, ओनर एक तो मेरे को ना लोगों का ये नहीं समझ आता, लोग कहते हैं ओनर ओनर ओनर. बंदे ने 15 दिन पहले बाइक करी थी, बंदे ने बेच दिया बाइक, नहीं उसको समझ आई तो यार वो सेकेंड ओनर कन्वर्ट हो गया. तो क्या फर्क पड़ गया उसमें बाइक, चाहे उसने 10 किलोमीटर चलाई हो तो ओनर चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता. इन बाइक्स में ओनर्स को बाइक की कंडीशन के ऊपर सारा का सारा फर्क पड़ता है. चाहे 10 ओनर हो जाए ठीक है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू गिर जाती है, थोड़ा सा तो वैल्यू गिरेगा, बट आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यार ये तो सेकंड ओनर हो गए, बेंचो इतने पैसे टूट जाए, इतना ये हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होती है. इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी है और इनको भी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा रिटर्न चाहिए. सो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए कोट कर रहे हैं गाइस 2015 के. सेकंड ओनर बाइक मैंने आपको दिखा दी है, स्टॉक बाइक है एंड विद VIP नंबर 7,000 नंबर है. तो बाइक मेरे हिसाब से पूरी साफ है. एक बारी आप आवाज़ भी लास्ट में सुन लीजिएगा एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई के नंबर पर और बात कर सकते हैं अगर आप इस बाइक के अंदर इंटरेस्टेड हो. सो वीडियो एंड करते हैं बाइक की आवाज़ से. सो इस बार फिर हमारे साथ होप यू आर गेटिंग वाचिंग दिस वीडियो. दुनिया खुशी दिखाए तो आपको भी खुशी महसूस होगी. किस स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय. Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.